नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS IPS जैसे सेवाओं में जाने का एक एम्बिशन है, गोल्स है, तो ये वीडियो उनके लिए ही बना है दोस्तों। यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के विषय में। यानी कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो मेन्स एग्ज़ाम होता है उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का सिलेबस है हिस्ट्री, काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेबस है दोस्तों। हिस्ट्री बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किया जाता है, ऑप्ट किया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री से GS का भी कवर हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री जो है, मतलब कि हिस्ट्री जो है GS में कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इस हिसाब से GS का जो पेपर होता है हिस्ट्री से लेने से, हिस्ट्री को ऑप्ट करने से एक तो मेंस का भी तैयारी होता है, मेंस के जो ऑप्शनल पेपर हैं हिस्ट्री उसका भी तैयारी होता है, और साथ ही GS का भी तैयारी होता है। तो हिस्ट्री एक विषय के रूप में है GS में, तो उसका भी तैयारी होता है और मेंस के ऑप्शनल पेपर का भी तैयारी होता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं, चूँकि बहुत ही रोचक और पसंदीदा सब्जेक्ट है दोस्तों। और ख़ास बात यह है कि सबसे अधिक हिस्ट्री को ही अभ्यर्थी ऑप्ट करते हैं, चयनित करते हैं, चुनते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तमाम वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देर किए बिना चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। इससे पहले कि हम अपने सिलेबस पर चर्चा करें, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज हिस्ट्री के पेपर वन पर। ठीक है, इसमें दो पेपर है, पेपर वन और पेपर टू। यानी कि इसका जो पहला टॉपिक्स है वह है सोर्स। ठीक है, सोर्सेज के बारे में हम चर्चा करेंगे, सोर्सेज में क्या क्या आपको अध्ययन करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, दो सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या पढ़ना है, एक्सप्लोरेशन, एक्सकैवेशन, इपिग्राफी, न्यूमिस्टिक एंड मोनूमेंट्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्स में पढ़ना है इंडिजीनियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोएट्री, साइंटिफिक लिटरेचर रीजनल लैंग्वेजेस, रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, फॉरेन अकाउंट, ग्रीक, चाइनीज एंड अरब राइटर्स, ये पढ़ने दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक्स है वो प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री है। ठीक है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के विषय में आपको पढ़ना है। तो प्री हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको आप कॉपी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, चौथा टॉपिक है दोस्तों मेगालिथिक कल्चर्स। और मेगालिथिक कल्चर्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर में क्या पढ़ना है, पाँचवा जो टॉपिक्स है वो है आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया। ठीक है, खासकर इंडिया में आर्यन का जो एक्सपेंशन हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि वैदिक पीरियड, रिलीजियस एंड फिलोसफिक लिटरेचर, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विग वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ द वैदिक एज, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्ना सिस्टम। ठीक है, उसके बाद पीरियड ऑफ महाजनपदस। ठीक है, महाजनपदस के पीरियड के बारे में अध्ययन करना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। जैनिज्म, बुद्धिज़्म इसी में है, मगध और नालंदा साम्राज्य इसी में है दोस्तों, ईरानी और मकदूनिया इन्वेशन एंड देयर इम्पैक्ट इसी में पढ़ना है, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना है, विषय में पढ़ना है। मौर्य एम्पायर में क्या क्या पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का उदय, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र, अशोका, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, एडिक्ट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर
एंड स्कल्पचर, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स, रिलीजन, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, लिटरेचर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर, सुंगास एंड कनवास, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना है, सुंग वंश और कनवास वंश के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या पढ़ना है आपको, देख सकते हैं आप, पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, कुषाण, वेस्टर्न, ईस्टर्न छत्रपास, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, डक्कन, दक्कन और साउथ इंडिया, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, आप यहाँ देख सकते हैं, अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। उसके बाद दसवां नंबर है गुप्ता बक्स वर्धननाथ, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या पढ़ना है आपको, आगे पढ़ना है रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के दौरान रीजनल स्टेट्स कौन कौन से थे इसके बारे में पढ़ना है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स को आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ना इससे कम पढ़ना है ना इससे ज़्यादा पढ़ना है, यही पढ़ना है और लेकिन विधिवत रूप से पढ़ना है। थीम्स इन ईयरली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है, थीम्स इन ईयरली इंडियन हिस्ट्री कल्चरल हिस्ट्री, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, लैंग्वेज एंड टेक्स्ट, मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, मेजर फिलोसफिकल थिंकर्स एंड स्कूल्स, आइडिया इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या क्या पढ़ना है, ईयरली मेडिवल इंडिया 750 से 1200, ठीक है, 750 से 1200 ईस्वी में पढ़ना है, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है, 14 नंबर में है कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया 750 से 1200 ईस्वी, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। द 13th सेंचुरी, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, गुरियन इन्वेंशन, फैक्टर्स बिहाइंड गुरियन सक्सेस, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड अर्ली टर्किश सुल्तान्स, ठीक है, कंसोलिडेशन, द रूल्स ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन। उसके बाद दोस्तों 14th सेंचुरी के विषय में पढ़ना है, 14th सेंचुरी में कौन कौन से पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, खिलजी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ना है, महमूद तुगलक के विषय में पढ़ना है, फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ना है। उसके बाद 17 नंबर में है सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी इन द 13th और 14th सेंचुरी में सोसाइटी, कल्चर और अर्थव्यवस्था, समाज, परंपरा और अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ना है, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर सकते हैं और सुविधा के अनुसार अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगा आईएएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या क्या आपको और जानना है। 18 नंबर में द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है, इसमें क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टी बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा एंड बहमनीज, ठीक है, द विजयनगर एम्पायर, लोदीज, मुगल एम्पायर फर्स्ट फेज, बाबर, हुमायूं, द सूर एम्पायर, शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुर्तगीज कॉलोनियल इंटरप्राइज, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इन प्रकार के चीज़ आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद 19 नंबर में है द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी सोसाइटी एंड कल्चर के विषय में आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या देखना है आपको, 20 अकबर के विषय में पढ़ना है, अकबर में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि कंसुकेट्स इन कंसोलिडेशन ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम, राजपूत पॉलिसी, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक, थ्योरी ऑफ शुल्क एकूल एंड रिलीजियस पॉलिसी, कोर्ट पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, इसमें क्या क्या, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब, ठीक है दोस्तों, एम्पायर एंड जमींदार, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में क्या पढ़ना है, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, नेचर ऑफ द मुगल स्टेट, सेट
लेट 17th सेंचुरी क्राइसिस एंड रिवॉल्ट्स द अहोम किंगडम शिवाजी एंड द अर्ली मराठा किंगडम। ठीक है, सीरीज़ पढ़ना। 22 नंबर में है दोस्तों इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। ठीक है, पोल्यूशन एग्रीकल्चरल एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन टाउन कमर्स विथ यूरोप थ्रू डच इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनी ए ट्रेड रेवोल्यूशन इंडियन मर्केंटाइल क्लासेस बैंकिंग इंश्योरेंस एंड क्रेडिट सिस्टम कंडीशन ऑफ पीजेंट्स कंडीशन ऑफ वोमेन एवोल्यूशन ऑफ सिख कम्युनिटी एंड द खालसा पंथ। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना सिख कम्युनिटी के एवोल्यूशन के बारे में, उदय के बारे में और उस खालसा पंथ के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या क्या देखना है, 23 नंबर में कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के मुगल साम्राज्य के दौरान क्या क्या कल्चर था इसके विषय में आपको पढ़ना है। जैसे पर्शियन हिस्ट्रीज एंड अदर लिटरेचर, हिंदी एंड रिलीजियस लिटरेचर्स, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल पेंटिंग, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, क्लासिकल म्यूजिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द 18th सेंचुरी में क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में क्या क्या फैक्टर्स है। रीजनल प्रिंसिपलिटीज, निजाम्स, डेक्कन, बंगाल, अवध। ठीक है, मराठा एसेंडेंसी अंडर द पेशवा, मराठास फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इमरजेंस ऑफ अफगान पावर, बैटल ऑफ पानीपत 1761, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक वन एव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ये पॉइंट है आपको तैयार करना है दोस्तों। और आते हैं आगे पेपर टू में चलते हैं दोस्तों। पेपर वन समाप्त हो गया, पेपर टू में क्या क्या पढ़ने आप देख सकते हैं। फर्स्ट है यूरोपियन पेनेट्रेशन इनटू इंडिया। ठीक है, इंडिया में यूरोप का आगमन। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश का साम्राज्यवाद फैलाव। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, अपने नोट्स बुक्स में कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। आगे है ईयरली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के विषय में आपको जानना है। इसमें पहले जो ब्रिटिश राज के जो शुरुआती दौर है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीज़ था, कौन कौन सा एक्ट आया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, इस प्रकार के पॉइंट्स आपको अध्ययन करना है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में आपको जानना है। क्या क्या पॉइंट्स हैं आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के विषय में जानना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मैंने अंग्रेज के आने के बाद सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ा, क्या सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट्स में उनके बारे में आपको जानने हैं दोस्तों। उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन बंगाल एंड अदर एशिया। ठीक है, सोशल और रिलीजियस जितने भी मूवमेंट हुए, रिफॉर्म्स हुए बंगाल और खासकर बंगाल में सबसे अधिक हुए थे, और दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या हुआ, जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्मो समाज। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल मूवमेंट, दयानंद सरस्वती, कार्य समाज, द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग सती, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज ETC, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रिनेशियंस टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस्लामिक रिवाइज़म्स एंड फेराजी एंड वहाबी मूवमेंट। तमाम पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है IAS की तैयारी के लिए। इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, इसके विषय में पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। 8वां आइए, फैक्टर लीडिंग टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द सेफ्टी वैल्व थीसिस रिलेटिंग टू द बर्थ ऑफ द कांग्रेस, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयरली कांग्रेस, द सोशल कंपोजिशन ऑफ ईयरली कांग्रेस लीडरशिप, द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। द स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, इसके विषय में आपको पढ़ना है। अब आगे क्या पढ़ना है, 9th नंबर में देख सकते हैं दोस्तों, राइज ऑफ गांधी, गांधी का उदय, करेक्टर ऑफ गांधियन नेशनलिज्म, गांधी पॉपुलर अपील, रोलेट सत्याग्रह, द खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, द टू फेज ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिमोंस कमीशन, द नेहरू रिपोर्ट्स, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिज्म एंड द पीजेंट मूवमेंट्स,
नेशनलिज्म एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट, वुमेन एंड इंडियन यूथ एंड स्टूडेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स 1885 से 1947, द इलेक्शन ऑफ 1937 एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज क्रिप्स मिशन। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें द क्विट इंडिया मूवमेंट, द वायबल प्लान, द कैबिनेट मिशन। टेंथ नंबर में है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल इंडियन बिटवीन 1858 एंड 1935। अदर स्टैंड्स इन द नेशनल मूवमेंट, द रिवोल्यूशनरी बंगाल, द पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी आउटसाइड इंडिया, द लेफ्ट विद इन द कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अदर लेफ्ट पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म, द मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा, कम्युनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस, कॉन्सोलिडेशन एज ए नेशन, नेहरू फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड हर नेबर्स 1947 to 1964, द लिंग्विस्टिक रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट 1935 to 1947, रीजनलिज्म एंड रीजनल इनइक्वलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसियली स्टेट प्रिंसेस इन इलेक्टोरल पॉलिटिकल्स, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कास्ट एंड एथनिसिटी आफ्टर 1947, बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन पोस्ट कॉलोनियल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दलित मूवमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज, लैंड रिफॉर्म्स, द पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिंग एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने, दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, ये तो हो गया नंबर। अब 60 नंबर में आते हैं, इनलाइनमेंट एंड मॉडर्न इन आइडियाज, जैसे कि मेजर आइडिया ऑफ इनलाइनमेंट, कांत एंड रोसियोसी, स्प्रेड ऑफ इनलाइनमेंट इन द कॉलोनीज, राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज अप टू मार्क्स, स्प्रेड ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। ठीक है, यूरोपियन स्टेट सिस्टम, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आफ्टरमैथ 1789 to 1815, अमेरिकन सिविल वार एंड विथ रेफरेंस टू अब्राहम लिंकन एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1815 to 1850, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, रिफॉर्मर्स, फ्री ट्रेड्स, चार्टिस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में पढ़ना है, जैसे इंडियन इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर कंट्री, जैसे यूएसए, जर्मनी, रसिया, जापान के विषय में पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के विषय में आपको पढ़ना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, नेशनल स्टेट सिस्टम, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म, स्टेट बिल्डिंग इन द जर्मनी एंड इटली, डिस इंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर इन द फेस ऑफ इमरजेंस ऑफ नेशनलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसका प्रभाव था। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इम्पीरियलिज्म एंड द फ्री ट्रेड, राइज ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म। ठीक है, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, 19th सेंचुरी यूरोपियन रिवोल्यूशन, द रशियन रिवोल्यूशन 1917 to 1921, काउंटर रेवोल्यूशन इटली एंड जर्मनी, द चाइनीज रेवोल्यूशन 1949, वर्ल्ड वार्स, वर्ल्ड वार के विषय में पढ़ना, वर्ल्ड वार में क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार एज टोटल वार्स, सोसाइटल इंप्लीमेंटेशन, वर्ल्ड वार वन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, वर्ल्ड वार टू कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, मैंने वर्ल्ड वार वन कैसे हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, वर्ल्ड वार टू कैसे हुआ, क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, वर्ल्ड ये चीज़ आपको पढ़ने हैं, उसके बाद वर्ल्ड आफ्टर, उसके बाद पढ़ना है द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार टू के बाद दुनिया क्या हो गई, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है, इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एंड नॉन अलाइनमेंट, यूएनओ एंड ग्लोबल डिस्प्यूट्स, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है, 24 में लिबरल लिबरेशन ऑफ फ्रॉम कॉलोनियल रूल, लैटिन अमेरिका बोलिविया अरब वर्ल्ड इजिप्ट, अमेरिका अपार्थेड टू डेमोक्रेसी, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट, फैक्टर कॉन्स्ट्रेनिंग डेवलपमेंट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, पोस्ट वार फाउंडेशन, नाटो एंड यूरोपियन कम्युनिटी, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन, इस ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, यूरोपियन यूनियन। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है, आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर
27 है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, फैक्टर्स लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत कम्युनिज्म एंड सोवियत यूनियन 1985 से टू 1991, पॉलिटिकल चेंजेस इन ईस्ट यूरोप 1989 टू 2001, एंड ऑफ द कोल्ड वार एंड यूएस एसेंडेंसी इन द वर्ल्ड एज ए लोन सुपर पावर, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सिलेबस यहीं तक है दोस्तों, हिस्ट्री का जो सिलेबस है यहीं तक है, सिलेबस बहुत काफ़ी अच्छा है और इसकी तैयारी भी अच्छे ढंग से बच्चे करते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको विशेष रूप से फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।